गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, म्यूजिक के साथ वेलकम टू द टॉपिस ब्लॉग। एंड डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग चाय बना रहे हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ पे, इसलिए हम लोग चाय बना रहे है ना। सुनते ओके। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम लोग मनोरेखा घूमने गया था, तो मनोरेखा से वापस आ गए। आने के बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए मैं भी बना रही हूँ चाय। चाय बना के पियेंगे, उसके बाद मनोरेखा से सब्जी लेके आए हम लोग, आज बना के खाएंगे, तो लोकल डिश है। सो आई वांट टू शो यू। ओके, सो दूध उबाल रहे है यहाँ पर, तो मैं बनाने वाली हूँ दूध चाय। इलायची, चाय पत्ती, वेयर इज द चाय पत्ती? चाय पत्ती यहाँ पर है, तो दूध चाय बनाते हैं। अदरक, अदरक वेयर इज अदरक? अदरक के साथ। एज आई सेड, अगर आपको टेस्टी चाय पीना है तो उसके लिए चाहिए आपको इलायची और अदरक। तो ये अदरक को मैं अभी पीसती हूँ, उसके बाद बढ़िया सा चाय बना के खाना, सब्जी बनाने से शुरू करूंगी फिर से। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा चाय जो बनने वाला है, और आप लोग में से कोई सोच रहा होगा ये है आएंगे ये क्यों सब्जी चम्मच यूज कर रहा है। सो एक्चुअली डियर फ्रेंड्स, ये जो इतना मतलब उबल के बार बार गैस से गिर जाते हैं वापस, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। और इसको जब ऐसे अच्छी तरह से मिक्स होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी ट्राई करना जरूर, मेरा आइडिया। तो आप लोग जैसे कि बड़ा बड़ा घूमती दुकान बड़ा बड़ा बोलते घूमती है सब में देखते है ना ऐसे चाय को, वहाँ चाय क्यों टेस्टी होता है? क्योंकि वो लोग पूरा ऐसे उबालने देके उसको एकदम अच्छी तरह से उबालने देते हैं, ऐसे 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 लंबा लंबा से ऐसे ऐसे करके। तो मैं भी वेट कर रही हूँ। सो इट्स गोना बी टेस्टी। मैंने यहाँ में पूरा डाल लिया लहसुन, इलायची, चीनी, चाय पत्ती, तो इसको भी पूरा उबलने देंगे। इसका कलर चेंज होने तक उबलने देना, अभी थोड़ा व्हाइट व्हाइट लग रहा है ना, थोड़ा ब्राउन कलर होने तक उबलने देना है, उसके बाद तैयार हो जाएंगे हमारे चाय। और ये बाके को यहाँ पे बॉइल कर रहे हैं, और उसके बाद इसको लहसुन और मिर्चा के साथ पीचेंगे। माय चाय इज रेडी, चीयर्स। इट्स वेरी टेस्टी। हम वो कर रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं, आदमी सुने कर रहे हैं। दोस्तों कुछ भी नहीं बोले, रिपीट करके बिल्कुल मत सुनना। क्या मार्केट का नाम भूल गया, मनोरेखा से हम लोग क्या क्या लेके आए दिखाएंगे। बहुत आई मार्का पे तोरा ही लाया, सब्जी लेने गया था पर कपड़ा लेके आ गया। ये है सोर मीट और ओनियन पत्ता, कितने लाए क्या? और ये चाय और रुको, और ये भी लेके आया है बाक। और मुझे बाक बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे खा के देखा था आप लोगों, वेरी सस्ते। क्या हो गया? हम सोच रहे हैं इसको बहुत पसंद लगता है, हम बचपन से खा रहे हैं। तुम किससे खाते हैं ना उसको? इट्स वेरी टेस्टी वाक। और ये रात का ठंडा खाना है, अभी खाएगा इसको, बहुत भूख लग गया, सुबह कुछ भी नहीं खा के गया था। वाक मिर्चा और ये चिकन विद आलू खाना, और थोड़ी देर बाद इसको भी बना के खाएंगे फिर से। अच्छा, दिखाओ मीठा। ये रहा पोर्क और ये सब्जी, और कुछ नहीं लिया, बस इतना ही लिया वहां से, और कपड़ा लेके आ गया। ओके, हो गया। मैं अभी खाना खाती हूँ, बाय बाय। हम जब भी खाना बनाते हैं, पता नहीं गैस क्यों खत्म होता है, तो मेरा रूम में ऐसा होता तो होता है, तो मेरा दोस्त कैसे भी हम खाना सब्जी बना रहा था, इसका भी गैस खत्म हो गया, अभी हम गैस बनाने जा रहे हैं, वापस आके खाना सब्जी बनाएगा। ज्यादा ही हो गया, याबुर हो गया, याबुर टू मच। जब भी हम खाना सब्जी बनाएगा, गैस खत्म क्यों होता है हम समझ में नहीं आते। बनाने जा रहा था नीचे, तो इसको मिल गया, ये लोग सरज नहीं जाके आया है। वाह, इतना सारा देखो तो क्या क्या होता क्या है पता नहीं। और देखो ये सब इयर रिंग को पता नहीं आज ही करते है, बोले कब कब पहनेगा होगा ये जो। बाप रे, पूरा ऐसा आधा सरोज नहीं इधर आ गया रे, आधा सरोज भी उठा के आ गया ये तो। बाप रे, इतना सारा इयर रिंग। दीदी हाय बोलो, ये हमारी सिक्योरिटी दीदी है, हाय बोलो ना। कंदी है ना दीदी दिल्ली में अभी? ठीक है,
अभी हम लोग सब मिल के खाना खाएंगे आज। खाना खाने आ जाना आप दोनों। इससे क्या बना क्या जाएगा हमको? तेरा बैग किधर है? सब चोर के इधर है, इधर में ही है पूरा। क्या कह रही है? दोनों साथ में ही है। दोनों साथ में है क्या? ठीक है। क्या बात करते हैं। और यहाँ पे ठंड बहुत हो गया है, यहाँ पर बहुत ठंडी हो गया है। ठंडी 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 एरिया होता है ना, यहाँ से एकदम हवा जो करके से घुसते है, ऐसे ठंडा होता है। तो हम लोग गैस भराएंगे वहाँ पे, वो हमारा गैस दुकान है। और वो गैस भैया जो हमको बोलते हैं वीडियो मत बना बोल के उसका साथ, इसलिए हम जो नहीं बनाएगा उधर। हमारा टोपी बैडमिंटन खेलते हुए है और ये हमारा हॉस्टल। फर्स्ट राउंड पे आप आउट हो गया टोपी। मजा ही नहीं होगा इसे खेलने, मजा नहीं होगा इसे खेलने। छह एक बार भी कैच नहीं कर पाया। और ये हमारा जहाँ से गैस भराता है उसका मालिक। भैया मेरा गैस फिर से खत्म हो गया। ये भैया हवा भरा के देते हैं हम लोग। ड्राई फॉर्क, सो मैं इसे अभी काटती हूँ। काटने के बाद इसे मैं अभी बनाऊंगी, बॉईल करूंगी ईकू के साथ। और ये जो ओनियन है ये भी मिक्स करेंगे। सो ये जो सुअर मीट है ड्राई वाला फोर्क, उसको हम लोग बनाएंगे ईको के साथ। ईको यानी कि ये है बेम्बू शूट। बेम्बू शूट पता है आप लोगों को? बेम्बू शूट ना पता ही नहीं है। ऑल टाइम फेवरेट सब्जी लाई पत्ता। लाई पत्ता ये हमारा जब हम लोग मिलके खाना खाते हैं तो ये तो बनने ही बनने है। कंपल्सरी। और जब भी हम लोग ग्रुप में खाना खाते हैं हमेशा आलू आलू के साथ, मतलब फ्राई होगा मीट, उसके बाद ये लाई पत्ता बॉइल होता है। जैसे कि एक ड्रेस नहीं होता है स्कूल जाने से, हम लोग ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते, उसी की तरह ऐसा लगता है जब भी ग्रुप खाना खाएगा। फ्राई मीट फ्राई और ये लाई पत्ता। तो आज कुछ डिफरेंट करते हैं, आज बॉइल खा के देखेगा। लंबा लंबा ईश्वर यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मेरा बिना मनना दिया मेरी हीरो जो मेरा अमर सी को दे अमर तानी को सो कर दागलो। कन्न अदा बोलो सोम को सो मुक नमसी मुकोसी लेकिन इंद्र कुसो रखिन को मुको तोलो। मजा है गाना। ओ तो ये गाना का मीनिंग है, ये दुनिया जो हम लोग का घर नहीं है, मतलब दिखाई नहीं दे रहे ना, एक ना एक दिन हम लोग इस दुनिया से चला जाएगा। मतलब हम लोग मिट्टी से जन्म लिया है तो मिट्टी बन के इस दुनिया से एक बार एक ना एक दिन चला जाएगा, यही है मीनिंग। हाँ बहुत अच्छा मीनिंग है यार, अगर आप लोग समझता तो मेरा फीलिंग समझता। इसको बहुत अच्छा मीनिंग है। और हम ओनियन ओनियन चिल रहा है ना, अच्छा गाने। पैसे आए मोको गो का दूध तो
जीरो नाम को तो लो मद मुसो आप लो कमार रखे नम को तो नके नमार बहुत गुस्सा करता था नीवा में ना बहुत बोलता था मतलब कुंडू का साथ इतना नहीं रहेगा लड़की लोग ऐसा था वो चिपकते हैं फ्रेंड्स हम लोगों का खाना पक चुका है लेट मी गिव यू अ लुक This is pork with cooter coupe. Wow, this is looking tasty. ये दुआ जो प्रोडक्ट और ये हलाई पत्ता एंड यहाँ पर मैंने इसको ओनियन के साथ बॉईल किया है एंड ये कोपर चटनी क्या था बाकर का चटनी है तीता वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर नाउ एंड विद पेप्सी हम जहाँ हो वहाँ पे पेप्सी तो होना ही है ओके सो लेट्स हैव दिस ये चावल भी लोकल चावल है ये सीता जी जो अरुणाचल से लेके आए हाँ लोकल है ना थोड़ा मिक्स किया है उसके बाद ये ओनियन सुअर मीट और ये बाके का चटनी सो टेस्टी मीट तो बहुत टेस्टी पहले बहुत टेस्टी मिला था खाना राइस जा जवाब बेमिसाल